तो ये मिरर लगा हुआ है, देख रहे हैं इसमें। हाँ ये क्या कर दिया खतरनाक। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप मजे में होंगे। और आज मेरे साथ हैं आपकी भाभी सिमो। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत पेनफुल, जो हमारे को बहुत दिनों से पेन हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अंबाला कैंट में डॉक्टर अरुण के पास। इसकी बैग में पेन है और मेरे शोल्डर में है, जिम में ही दोनों का बेड़ा करके जिम में ही हुआ था। हमारे को बहुत ज्यादा पेन है, सिवर पेन, मतलब मेरे को जिम में हुआ है, पता नहीं मेरे को सी सेक्शन हुआ उसका पेन है, बैक पेन बहुत ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो अभी उसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कराना है और मेरे को शोल्डर में ट्रीटमेंट कराना है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कपिंग थेरेपी भी करवाऊँ आज, हजीमा कहते हैं उसको, तो वो करवा के देखो कैसा, कहते हैं कि रिलीफ अच्छा मिलता है उससे। जैसे कि आपको पता है आपके साथ हम सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप देखते हैं आगे जाके कि हमें कैसे सब कुछ कैसा मिलता है। एक दो बार हम पहले जा चुके पर हजीमा इन्होंने कभी नहीं लिया, कभी नहीं करवाया, फर्स्ट टाइम होगा मेरा। तो करवा के देखते हैं मे बी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपको सारा शेयर करूंगा, आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्या कॉस्टिंग होगी उसकी, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल देंगे, डॉक्टर का एड्रेस सब कुछ। अगर आपको अच्छा लगे आप कभी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर है, कोऑपरेटिव में काफी। तो ठीक है गाइस, तो चलते हैं वहीं पे मिलते हैं आपको, बताते हैं, बाय बाय। कैसे तो बहुत कैसा लगता है, पेनफुल है या नहीं? हल्का फुल्का पेनफुल है, इनको एंजाइटी भी हो रही है बीच बीच में। तो ये वाले इनमें तो नहीं था पेंचर के, इनको तो ये इन पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आ चुके हैं। और ये जो पेंचर के हुए हैं ये है मे बी 6। तो अभी डॉक्टर इनको निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या निकलता है, गंदा खून जन्मों जन्मों को। तो अभी डॉक्टर साथ में कर रहे हैं, डॉक्टर का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण जी, तो इसको निकालने का ये ट्रीटमेंट ऐसे आगे प्रोसेस कर रहा है। मुझे तो सच में देख के कह रहे तुम मत करवाना, मेरे को तो देख के डर लग रहा है, मैं करवाऊंगी क्या, और मेरे तो पेन भी ऐसी जगह जहाँ हो भी नहीं सकता है। हम लार्ज मसल्स टारगेट करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कहीं का भी। तो अगर आप अंबाला से हैं, आपको ट्रीटमेंट कराना है अंबाला से, क्या कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, हम कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। किसी भी तरह का कोई भी पेन हो, हर पेन का इलाज है इनके पास। सो ये अभी खुलने वाला है, तो ये देख सकते हैं आप कितना ब्लड है, गंदे वाला, जो हमारी बॉडी को अंदर से अंदर खराब करता है। तो ये सब अभी निकल रहा है बाहर, इट्स वेरी पेनफुल, जैसे जैसे खुल रहे हैं उनको और पेन हो रहा है। ये देखो, ओह माय गॉड, बहुत सारा खून निकला। ये लास्ट वन आई थिंक, नहीं एक और है, ये देखो बिल्कुल जेल फॉर्म में है, जिससे जेल नहीं होती है, एक्चुअली ब्लड क्लॉट हो जाता है आपका ना। हाँ, इनको एक्चुअली ना बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो आज इनका ये ट्रीटमेंट करवाया हमने। देखते हैं अब इससे क्या आगे, आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा कि इनको कितना रिलीफ मिला इससे। अब ये सब कप्स निकाल लिए गए हैं, तो हमारे पेशेंट से पूछते हैं क्या हाल है मिस्टर सैनी। पेन बहुत होता है, बहुत पेन है। नहीं पहले पहले तो हल्का फुल्का होता है, करवा सकते हैं, फर्स्ट टाइम तो होता ही है पेन यार। मेरी ट्रीटमेंट मेरा यहाँ पे चल रहा था, मेरा हो चुका है, तो अभी मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, तो हमको करनी चाहिए यार, मतलब मालिश वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह करानी चाहिए। अब ये देखो पूरे कॉटन पे खून ही खून, दूर रहे जो लोग डरते हैं खून से, ये वाली वीडियो से दूर रहे। हाँ, काले काले दाग पड़ चुके हैं। तो अभी मैं लेट चुकी हूँ, मेरा अल्ट्रासोनिक होने वाला है मेरी बैक का, वो तो मैं क्या दिखाऊंगी। ये देखो ये लेटे हैं कुछ इस तरह और मैं लेटी हूँ कुछ इस तरह। मुझे इन पे इतना तरस आ रहा है, इनको इतना पेन हुआ। ये बहुत सैड हो रहे हैं, इनको दर्द हो रहा था, अब फंस गया बोल रहा है।
अभी मेरा अल्ट्रासोनिक होने वाला है, उसके बाद निकलेंगे तो आपको बताते हैं क्या टोटल इसकी कॉस्ट आई है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। कॉटन वगैरह सब कुछ उतार दिया है और एंड रिजल्ट ये है, देखिए पास से एक बार। अभी इनको एक घंटे बाद नहाने को बोला डॉक्टर ने, तो ये देख लीजिए आप। पता भी नहीं है कैसा पीछे से, पीछे से बहुत डेंजरस लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है किसी ने हथौड़ों से किया शिकार पूरा तुम्हारा। तो मिरर है हमारे पास, आप मिरर में देख लो। चलो इनका रिएक्शन इनको खुद ही दिखाएंगे, हमने तो कब से देख रहे हैं हम। तो हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है। ओ भाई साहब तो ये मिरर लगा हुआ है, देख रहे हैं इसमें। हाँ ये क्या कर दिया, खतरनाक कर दिया। अब आज जिम में जाओगे तो सब पूछेंगे, सैंडो में वर्कआउट करोगे कहाँ से करवाया। तो भाई करा के बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स मिला है। पहले पहले तो फर्स्ट टाइम कराई थी मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि कहाँ फंस गया यार मैं, बट जब लग जाता है तो उसके बाद वैक्यूम बन जाता है ना, तो उसके बाद पेन नहीं होता है। तो आप करवा सकते हैं, मतलब काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है मेरे को तो। बाकी देखने में काफ़ी हॉरिबल लग रहा है बट मिल रहा है, रिलैक्स है। अब थोड़ी बॉडी ऐसी लग रही है, फ्री सी लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी सीमो का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वहाँ पर, उसको भी थोड़ा कॉक्सिस का पेन है यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ी स्टिफनेस थी तो मैंने इसलिए करवा लिया। तो अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा आगे। तो सुमो की स्ट्रेचिंग हो रही है, तो अभी सुमो की स्ट्रेचिंग हो रही है प्रॉपर। यार इसका ना जिम हम जा नहीं रहे थे, इसको पेन हो रहा था, अगर ये पेन ख़त्म होगा तब ये जिम जा पाएगी, तो मे भी नेक्स्ट ईयर से जाना स्टार्ट करें। मैं तो जा रहा हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ मैं, बट मेरे को भी काफ़ी स्टिफनेस रहती है। तो अभी इसका पेन रिलीफ होगा तो हम कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाएंगे। इसको कैमरे को पकड़ पहले, कम ऑन, वन ऊपर तक, टू थ्री फोर, वन लास्ट, ठीक है, डीप ब्रेथ। एक्चुअली मेरे शोल्डर में इसमें बहुत पेन है, इसी का मेन इसी पर्पज़ के लिए आया था मैं, मेरे को इसी का ट्रीटमेंट कराना था, तो अभी चल रहा है ट्रीटमेंट। ओके फ्री, नेक्स्ट टाइम आते हो एक्यूपंचर करते हैं आप उसमें शोल्डर में, इसका ट्रीटमेंट वही करना। ओके आप देख रहे हैं मैम, श्योरली बेटर होगी। हाँ आज वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसी में लगा है। ओके देखिए ब्लड तो नहीं आया पीछे, नहीं कुछ नहीं आया। सो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से ट्रीटमेंट करा के। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट का हजीमा का 400 चार्ज है, और बाकी और कोई ट्रीटमेंट लेना तो उसका 200 या 250 लगता है। तो आप लोग हमारे 600 लगे हैं, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। पहले तो काफ़ी पेनफुल हुआ मेरे को, बट उसके बाद मेरे को रिलीफ मिला है, अच्छा लगा। तो अब शूज़ वगैरह डाल लें, बाहर मिलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं आपको। हाँ ट्रीटमेंट तो हो गया, हम खाते पीते हैं यार, भूख लगी है काफ़ी, थक गए ट्रीटमेंट करा के। इसकी फोटो ले लो बाहर से, वीडियो में वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा उसमें लोअर बैक दिख रहा था, इसलिए तो वो थोड़ा वल्गर लगता है, इसलिए हमने वो शो नहीं किया। बाकी ये सारा चीज़ हम उसमें डालते हैं। तो ये डॉक्टर का एड्रेस है और यहाँ पे अंबाला कैंट में है, ये आप करवा सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं।
लगी है भूख, भूखवा लगा है, पेटवा दुखवा है निकल गया। भाई मैंने देखा और मैंने बाद में शीशे में देखा ना भाई साहब, ऐसा हो रखा था पता नहीं क्या, कौन सी सजा, होम डाय की सजा मिली हो जैसे मुझे दा मम्मी मिलती है उसको। तो घर जाके मिलते हैं, घर क्या अभी, घर क्या अभी, तो खाना पीना है यार, भूख लगी है, तो अभी देखते हैं, अभी गाड़ी में जाते हैं फिर चलते हैं। तो गाइज इनको हो रहा था इतना पेन कि इन्होंने अपना चश्मा भी गाड़ी के वहीं भूल गए हैं, गाड़ी के अंदर कह रहे हो, वहीं पे भूल गए अपना चश्मा, अभी ये गए अपना चश्मा लेने, देखो यहाँ पे कोई नहीं है। तो बस मेरे को बहुत सच में, मैं बोल रही हूँ, मेरे को इनको देख के मुझे खुद इतना दर्द हो रहा था, इनका तो मुझे पता नहीं, बट ये तो ना सह लेते हैं अगर थोड़ा बहुत दर्द होता था, बट मैं नहीं पेन बर्दाश्त कर पाती, इनको देख के मुझे भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी बस ये अपनी स्पेक्स लेके आते हैं, आ गए हैं स्पेक्स लेके अपनी। इतना पेन हुआ कि अपना चश्मा भी लड़का वहीं पे भूल गया। ओ माय गॉड, वाह वाह क्या थक गया यार, पेनफुल होता है यार, कौन कहता है, यूट्यूब पे कहते हैं ना पेनफुल नहीं होता, कराना चाहिए, मजा आता है। अब मानो आपकी स्किन इतना इतना ऊपर खींचेगी तो पेन तो होगा ही ना, ऊपर से उसमें से ब्लड आएगा तो नॉर्मल सी बात है पेन होगा। आप बैड मतलब गलत चीजों मतलब यार फैलाओ प्लीज, जब पेन होता है तो होता है, तो पेन होता है तो होता है भाई, जिसका जिगरा अच्छा है वही करवाए हाजिमा, किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बस की। मैं तो इनको देख के ही इतना हो रही थी, मेरे को तो देख के रोनी आ गई, इनको इनको इतना पेन हो रहा था। चलो अभी पहले पर होता है स्टार्टिंग में जब उसको वैक्यूम करते हैं ना तब पेन होता है, उसके बाद ना जो वैक्यूम हो जाता है ना थोड़ी देर पेन होने के बाद तो वो स्टील हो जाता है थोड़ा, मतलब इतना पेन कम हो जाता है उससे। मतलब ये कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है कि जैसे जलन नहीं हो जाती, जलन टाइप हो जाता है, तेज मसल के अंदर पेन होता है वो चीज, और ना स्किन को ऐसे पकड़ा हुआ था, मतलब यार पेनफुल। अभी इन्होंने खुद नहीं देखा क्या हुआ था, ये वीडियो देखेंगे तो इनको भी खुद पता चलेगा इनके साथ हुआ क्या। अजीमा करा के भाई पेट में दर्द सा हो रहा है, झुंझुनाहट सी हो रही है और मैडम को लगी है भूख, और सुबह से कुछ नहीं खाया, भटूरे छोले खाने के लिए इसके फेवरेट, जिसका ये पूरे मजे से खाती है, ये देखो भटूरा छोला, भटूरा छोला। तो ये खा रही है भटूरे छोले और मैं भी बस एक एक ही खाएंगे, भूख लग रही है, अब कुछ और खाने को है नहीं। मैं नान खाऊंगा, नान आएगा, ये हल्का फुल्का ले लूंगा क्योंकि ऑयली होता है यार ये काफी, खा लो दो चार दिन फिर दोबारा रोटो ओलंपिया, रोटो ओलंपिया भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन में दोबारा जाना फिर से। तो भैया खाना पीना हो चुका है, सिमर मेरा अब जाते हैं घर पे, अब हम निकल चुके हैं वहां से, तो अब घर जाके मम्मी और के रिएक्शन चेक करेंगे कि देख के पेट दिखा के क्या है, क्योंकि पेट मेरी ऐसी हो रखी है कि पता नहीं क्या, मतलब कितना कुछ करवा लिया मैंने। तो अभी घर जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको पता है मेरे घर वाले पुराने खालातों के हैं, वो देख के पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं, घर जाके पता चलेगा वो तो उनके रिएक्शन का। मम्मी मारेगी तुम्हें। चलो चलते हैं घर पे फिर देखते हैं क्या कहते हैं वो। सो भाई घर आ चुके हैं घर पे, बच्चे तो सो रहे हैं, ये देखो सो रहे हैं दोनों, और मम्मी कहीं बाजार चली गई और सिस्टर है यहाँ पे, सिस्टर के रिएक्शन चेक करते हैं, सिस्टर क्या कहे ये देख के। तो भाई सिस्टर को दिखाने लग गए हैं, मम्मी है नहीं, मम्मी का लेते रिएक्शन, जीजू इकट्ठे, जीजू इकट्ठे, हाँ हजीमा, इनकी बैग में पेन रहता है उसका ट्रीटमेंट है ये, तो दिख भी नहीं रहा कैसा हो रहा है, बहुत ब्लू ब्लू हो रहा है एकदम, इतना पेन हुआ, ओए एकदम गोल गोल ऊपर उठे हुए हैं हाथ, लग कपिंग, प्लास्टिक की कपिंग थेरेपी होती है इसकी। मम्मी है नहीं, मम्मी का रिएक्शन तो हो नहीं पाया, मम्मी का देखते हैं अगर मम्मी जल्दी आ गई तो मम्मी का रिएक्शन भी ले लेंगे। काले काले जैसे किसी ने चोट मारी होती है, नहाना है, है हम दादी मम्मा का रिएक्शन जो है जो बिल्कुल ही पुराने का इलाज किया, अब देखना क्या बोलेगी। ये मेरी चाची की बेटी, एक चीज दिखाऊं, सबका रिएक्शन ले रहे हैं, ये देखो ये क्या है, कपिंग थेरेपी। बीबी क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर, कोनी क्या क्या करते फिर आने, ये है क्या वैसे, हाथ लगा देखो,
कपिंग थेरेपी नीडल लगा के ना उसके अंदर से ब्लड निकालते गंदा बैड ब्लड। तो फिर इसका क्या बेनिफिट है? इससे सारी बॉडी की स्टिफनेस चली जाती है, बैक में जो पेन हो वो भी ठीक हो जाता है और गंदा खून निकल जाता है। कितना निकला अभी वीडियो में देखना, इतना सारा खून निकला। पहला फोकियर वाय कर दे गंदा खून वापा कहीं जाता मेरा है इतना खून कटवा लेकर आता मेरे घर आता। अच्छा फिर ठीक तो हुआ नहीं था फिर दवाइयां खाई जाता। तो जो पुराने खिलात के लोग उन्होंने नए वाला ट्रीटमेंट कर दिया फेल। चलो चलो यार, तक मैंने करवाया मेरे को तो रिलीफ लगा, तो अच्छा लगा मेरे को, मतलब काफी स्टिफनेस दूर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं जा रही कपड़े चेंज करने, मैं ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है। आपको करना है चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ये वाला जो बटन है सब्सक्राइब करके जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।